मुझे पता चल गया सर, हमसे वो थॉमस की कब्र क्यों खुदवाई गई थी। ये देखिए सर, उसमें देखिए सर, थॉमस ने एक लॉकेट पहना हुआ है। और ये दूसरी फोटो, कॉफिन बंद करने वाले थे उससे ठीक पहले ये फोटो खींची गई थी सर। इसमें तो लॉकेट नहीं है। जूली, एंथनी और जॉन, तीनों में से किसी ने लॉकेट गायब किया है। मुझे तो कुछ बता रहा था, बताना थॉमस के बारे में। इसने भाटिया एंड कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू कर दी थी सर। यही कंपनी में से 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई और फिर 2 महीने बाद ये थॉमस की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी इस लॉकेट के अंदर 1 करोड़ रुपए का राज छुपा हुआ है। फ्लॉप 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 है तेरा प्लान, फ्लॉप। रात हो गई है, कोई नहीं आया। ऐसा मत बोल यार, मेरा प्लान कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। अच्छा, कोई ना कोई तो जरूर आएगा यार। कब आएगा? क्या आ गया है ये? तो अहम तो नहीं है। चल दबोचते हैं। नहीं, 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 रुक जा, ये किसी की चाल भी हो सकती है। हु? पहले कंफर्म हो जाने दे कि इसके पास 1 करोड़ रुपए हैं। आ गया मानव। चुप 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 चुप। इधर नीलामी किधर को हो रहा है? मैं इधर ही जो रहला है। तू कौन? मैं खरीदार, लेकिन मुझे पहले हीरो को देखना है। अरे तो देखना रे, अपन हीरोइज तो है, है? अपन सलमान और ये आमिर। उत्तरी अपन को पहले पैसा देखने का, पैसा दिखा। ये ले, देख 50 पैसे। पैसा वो चाणा है तू। हा चल ठीक है, पैसे और हीरे दोनों साथ में देखते हैं, ठीक है? मेरे 3 गिनने पर। हाँ, 1, 2, 3। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप कौन? चोर। हाँ? चोर चोर चोर, पुलिस पुलिस पुलिस, चोर पुलिस पुलिस, चोर पुलिस पुलिस पुलिस, चोर चोर। चलिए चलिए, खेलते हैं खेलते हैं। क्या? नहीं, चोर पुलिस खेलते हैं। आपने कहा ना आपको चोर पुलिस खेलना है। आपको मजाक सूझ रहा है? वो मेरी चेन चोरी करके भागा है और आप कह रहे हो कि खेलते हैं? कैसे पुलिस वाले हो आप लोग? अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी उस चोर को पकड़ते हैं। चल आदित्य, चल, छोड़ेंगे नहीं उसे। अरे चल, मेरी साइकिल के पीछे ट्रक बैठा हुआ। चल चल आदित्य। अरे रुक जा चोर। आजा आजा, ओए ये ले, आओ आओ आओ। चल मेरे साथ चल। रुक 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 रुक, आजा आजा आजा। अबे क्या हुआ? ए, क्या हुआ? साइकिल पंचर हो गई। अरे इसने हमारी साइकिल पंचर कर दी यार। अच्छा तो हम चलते हैं। अबे रुक, अबे रुक, उसे पकड़ो। अरे अरे क्या है? अरे ये कैसा जमाना आ गया है, चोर भाग गया बाइक पर और आप लोग साइकिल पर घूम रहे हो। ये ऐसी बात नहीं है, हमारे पास जीप भी है, लेकिन डिपार्टमेंट हमें पेट्रोल के पैसे ही नहीं दे रहा है। अब आप विडंबना देखिए, पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी दी है लेकिन पेट्रोल नहीं दिया, इसलिए पेट्रोलिंग साइकिल पे चल रही है। लेकिन डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, दरअसल महंगाई देख रही है कहाँ पहुँच गई है। मतलब पेट्रोल 90 रुपए छू रहा है, लेकिन फिर भी आप चिंता मत कीजिए, इसका असर हम समाज पे नहीं पड़ने देंगे। मैंने उस चेन स्नैचर का चेहरा देख लिया है, मैं उससे आपकी चेन स्नैच कर, मतलब उससे आपकी चेन जो है वो वापस ला के दूंगा मैं। ए साली, इधर इधर। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर सब काम वाम छोड़ के यहाँ पर हवा ले रहे हैं। चलो अपना अपना काम करो, चलो चलो चलो। अरे गर्मी है बॉस, मुझे ही पता। चलो काम करो, चना काम पड़ा है। क्या डिया जी? अम्बे सर। क्या पंखे के नीचे बैठ के हवा ले रहा है? ऐसे कोई हवा लेता है क्या? कर रहा है यार, अपने पसीने की नदियां बहेगा क्या यहाँ पर? मानव इतना पसीना आ रहा ना, तो जाके छत पे जो तार लगी उस पे जाके फैल जा, पसीना अपने आप सूख जाएगा। कोई तरीका क्या यार? सर जी ऐसा आइडिया मत दो, तार के संग पूरी छत तार तार रह जाएगी। कोई मुझे बताएगा कि हमारे हेडक्वार्टर के एसी और पंखे बंद क्यों हैं? किसने बंद किया इन्हें?
चिल्ला मत, सब लोग यहीं पर खड़े हैं। और ज्यादा पसीना आने से ना तेरे सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। 10 बार बोल चुका हूँ, नेताजी प्रवीण प्रजापति के आदेशों का पालन हो रहा है, उस चक्कर में सब एसी पंखे बंद कर दिए गए, और वो भी कभी भी आते होंगे हेडक्वार्टर। नमस्ते। वैसे नाम तो सुना ही होगा ना? कोई बात नहीं, मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है पीपी। पीपी मतलब प्रवीण प्रजापति। वैसे मैं हूँ अपनी पत्नी का पति, क्योंकि दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। इनसे दिल्ली क्यों जाना है? क्योंकि जैसे ये आपका हेडक्वार्टर है, वैसे ही पॉलिटिक्स का हेडक्वार्टर है दिल्ली। दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। अच्छा, वैसे पुलिस हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है नेताजी। आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना। ओह सॉरी, उसमें नहीं, वो तो गिरी हुई है। और मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। हाँ तो आप यहाँ बैठ जाइए। नेताजी, सुना है कि आपके आदेश की वजह से ये सारे पंखे और एसी बंद कर दिए गए, तो ऐसा आदेश आपने क्यों दिया सर? क्योंकि अगर महंगाई के सामने लड़ाई जीतनी है तो ये कॉस्ट कटिंग तो करना ही पड़ेगा ना। अरे आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने अपनी ऑफिस में से आधे स्टाफ को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। हाँ, और आधे फैमिली मेंबर को घर के बाहर निकाल दिया है। आपने अपनी आधी फैमिली को घर से निकाल दिया? जी, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड कॉस्ट कटिंग। और कॉस्ट कटिंग के सामने क्या है कि रिलेशन कुछ मायने नहीं रखता। जैसे आज मैंने ये एसी और पंखे बंद करवाए, कल मैं लाइट बंद करवा दूंगा। क्या? हाँ, फिर परसों पानी, उसके बाद चाय, उसके बाद समोसे, उसके बाद नाश्ता, ये सब कुछ भी मैं बंद करवा दूंगा, क्योंकि दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। I object सर। सर ये कॉस्ट कटिंग के लिए आप पेड कटिंग नहीं कर सकते हैं सर। सर लेकिन एक और सवाल आपसे पूछना था सर, ये कॉस्ट कटिंग का सिलसिला कब तक चलेगा सर? ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं सर, तनख्वाह भी नहीं आई है सर, और काफी कड़की चल रही है सर। सर मुझे भी देखिए सर, सूख के काटा हो गया हूँ मैं एकदम। ऐसा काटा जो लोगों को चुपता नहीं, उन पे गिर के मारता है। तुम लोग टेंशन मत लो, वैसे मैंने आपके कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब को मिनिस्ट्री में भेजा है, वो लोग फटाफट फंड रिलीज करवा लेंगे। लेकिन मुझे एज अ पॉलिटिशियन, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये पगार मिलने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। नहीं! क्या हुआ, ये क्यों इतनी दहाड़े मार रहा है? सर ये हर चीज का लेट रिएक्शन देता है सर। घर पे सुबह सुबह बीवी ने पीटा होगा, रो ये अब रहा है। बॉस बेचारे लुगाई के मारे। अरे लुगाई का नहीं, महंगाई का मारा हूँ मैं, महंगाई का। सर अगर 1 और महीना तनख्वाह नहीं आई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? वैसे घर चलाने की क्या जरूरत है तुम्हें, जहाँ पे है वहीं पे रहने दो ना। अगर चलाना है तो ये पुलिस स्टेशन चलाओ, चोर को पकड़ो, डाकुओं को पकड़ो। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने आपके सीनियर्स को बोल दिया है कि जो भी काम करना है फटाफट करे, लेकिन जब तक गोकुल वापस नहीं आता तब तक ये सारे रिपोर्ट्स जो है वो आपको मुझे देने। सुना है आजकल चेन स्नेचिंग बहुत हो रही है, तो कल के कल मुझे वो चेन चोर चाहिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने होगा वो चेन चोर। गुड, वेरी गुड, क्योंकि दिल दीवाना है, दिल्ली जाना है। मेरे इलाके में मेरी इजाजत के बिना परिंदा भी बीट नहीं कर सकता, पर तुम दोनों ने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी कैसे? सर 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 माफ कर दीजिए सर, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। हरगिज 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 माफ नहीं कर दिया हमने, क्या किसी की जान ले ली, किसी को चक्कू फेर दिया क्या? जाने दीजिए ना सर, छोटी सी तो बात है, छोटी सी बात, छोटी सी बात, छोटी सी बात, ये बात तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? छोटी सी साफ साफ तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि हर 1 घंटे में मेरी टेबल पे 2 समोसे पहुंच जाने चाहिए, वो भी गरम गरम। सोनू समोसे वाले, सुबह से मेरी टेबल पे 1 भी समोसा नहीं आया है, और जब मैंने तुम्हें फोन किया तुमने अपने असिस्टेंट के साथ मुझे चटनी भेज दी। अब मैं क्या समोसे के बिना चटनी चाटू? इतनी बड़ी बात तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? और तुम बबलू की टी बार बार पी, तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझाया था कि मुझे मेरी चाय में 5 चम्मच शक्कर चाहिए,
लेकिन कल से तुम्हारी चाय में शक्कर कम, कम से कम, उससे भी कम, कम 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 होती जा रही है। क्यों? अरे सुनो बाबू, बचा लीजिए सब, बचा लीजिए, मैं सब बचा लीजिए, सब बचा लीजिए। अरे तुम दोनों हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हो? मानव सर उठा के ले आया मैं यहाँ पे। लेकिन क्यों? इन दोनों ने मेरी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या तुम लोगों ने खाने वाने मिलावट शुरू कर दिए क्या? सर ये सरासर इल्जाम है हम गरीबों के ऊपर। पिछले दो महीने से उधारी में लगातार चाय और समोसा पेलते ही जा रहे हैं, पेलते ही जा रहे हैं, पेलते ही जा रहे हैं। सर अगर एक दो समोसे की बात होती तो हम चला भी लेते, लेकिन ये तो घंटे के हिसाब से चाय और समोसे की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। बचा लीजिए सर गरीब आदमी को। सर सर इतने की तो हमारी सेल भी नहीं होती है, जितने का पूरे दिन में ये फैल जाते हैं पॉकेट का। ओ इतनी भी ओवर ईटिंग नहीं करता हूँ मैं जितना तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जेब खाली है इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना पेट भी खाली रखूंगा। लोग काम करते हैं क्योंकि पापी पेट का सवाल है, मैं काम करता हूँ क्योंकि खाली पेट का सवाल है। ये पिटारे जैसा पेट कहाँ से खाली है भाई? हाँ सुनो इंस्पेक्टर साहब हैं, तमीज से बात करो। मानव सर और इस पूरे डिपार्टमेंट की ओर से जो हरकत हुई है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अब तुम दोनों को एक वार्निंग के साथ छोड़ रहा हूँ, दोबारा कभी भी मानव सर को कुछ भी चीज उधारी पे मत देना, चाहे वो खाना हो, पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, बिस्किट हो, कुछ नहीं दोगे उधार पर। जी 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 सर। चलो भागो भागो भागो। ये क्या किया तूने, क्या किया तूने? वो क्या कर रहा है भाई, जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे तेरे अकाउंट चल रहे हैं, क्या तरीका है? तो क्या भूख लगती है यार इंसान। तू क्यों इतना मायूस घूम रहा है डीआईजी? नहीं नहीं टेंशन मत लो, 5-10 साल में हमारी सैलरी आ ही जाएगी। 5-10 साल में आ जाएगी। हमारे पास में इतना समय ना है सर, हमें 1,00,000 रुपया की बहुत सख्त जरूरत है सर। 1,00,000 की जरूरत है? क्यों? भरतपुर से फोन आया तो सर, अम्मा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने कही है कि अगर 1,00,000 रुपया जमा नहीं करवाए तो ऑपरेशन नहीं करेगा। ये जी हमारी भी कड़की चल रही है यार, वरना तो हम चाहकर भी तुम्हारी मदद कर नहीं सकते। हाँ डिया जी, आंटी हमारी माँ समान है, लेकिन तुम तो जानते हो कि परिस्थिति क्या चल रही है, और ऐसी परिस्थिति में पैसों का बंदोबस्त करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ डीजीपी सर के पास, उनसे आके बात करता हूँ और देखता हूँ, अगर कुछ हो सकता होगा तो करेंगे। आप तो ही नहीं हो पाए तो डीजीपी सर क्या कर लेंगे सर, इन दो हमें कछु ना कछु कर लेंगे। डीआईजी मन छोटा नहीं करते डीआईजी। अरे मुश्किल है यार ये पूरी बाबा। अरे तुमको बोला ना, अरे इस महीने तुम्हारा ईएमआई दे देगा मैं। अरे तुम्हारा घर लेके थोड़ी भागने वाला है, देखो अभी तुम हमारा ज्यादा दिमाग खाएगा ना तो हम तुम्हारा कंप्लेंट पुलिस में कर देगा। बॉस बॉस मुझे फोन तो मैं हैंडल करता हूं। काट दिया देगा मानव ए देसाई का स्पेशल इफेक्ट देगा, मेरा नाम सुना और फोन काट दिया सामने वाले ने। उसने नहीं मैंने फोन काट दिया। मानव ए देसाई तू हमेशा अपना उल्लू क्यों कटवाता है यार? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या इंस्पेक्टर, एक बात बताइए कि गरीब होना कोई पाप हो रखा है? कोई पाप हो रखा है? और आजकल क्या इस देश में गरीब को जीने का कोई हक नहीं है? बताइए आप। नहीं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखिए देखिए पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, ये एक पुलिस स्टेशन है, हम पुलिस वाले हैं, कोई स्कूल टीचर नहीं है कि आप सवाल पे सवाल पूछे जाएंगे और हम जवाब पे जवाब देते जाएंगे। और ये गरीब गरीब क्या लगा के रखा है, यहाँ पे हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। आपको यहाँ पे पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं ना। हमारा एसी चल रहा है? नहीं ना। तो गरीब कौन हुआ? हम हुए गरीब, हम है। मानव हो गया तेरा, तू पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मत, उसको क्या सुना रहा तू? वैसे आप कौन है, क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब हमारा नाम है मन्नू मूंगफली, छील के दू? नहीं नहीं थैंक यू, काम क्या करते हैं? जूलर है, नाम से नहीं पता चल रहा, मन्नू मूंगफली जूलर। मैं मार्केट में मूंगफली बेचता हूँ, छील के दू? नहीं भाई नहीं चाहिए। एक तो महंगाई ने हमारी कमल तोड़ के रख दी है, ऊपर से आपका एक पुलिस वाला हमसे हफ्ता मांगता रहता है। हफ्ता? पुलिस वाला हफ्ता? कौन है तू, क्या इशारा कर रहा है तेरा? ये क्या? नहीं मैं बस ऐसा ही पूछ रहा हूँ यार, कड़की इतनी चल रही है कि किसी को भी मूंगफली की जरूरत पड़ सकती है। मैं ना सेवा के लिए काम करता हूँ, मेवा के लिए नहीं।
आप जरा मुझे साफ साफ बताइए कौन से पुलिस वाले ने आपसे हफ्ता मांगा। अरे सर आपका एवी रोड का जो थाना है ना उसका जो पुलिस वाला है वो हमें रोज फोन करता है और हमसे कहता है कि हमें हफ्ता दो, अगर तुमने हमें हफ्ता नहीं दिया तो तुम यहाँ धंधा नहीं कर सकते हो। अरे मैं मूंगफली बेचता हूँ, कोई सोना नहीं बेचता हूँ, छील के दो। सर आप बताइए ये गरीब इतने सारे पैसे कैसे लाएगा, उनको कैसे देगा। समझते हैं आपकी बात सर, उसी बेवकूफ का फोन होगा। स्पीकर बड़ा, स्पीकर पे। हेलो मनु मूंगफली छील के दू। अबे ओ किसी भी हालत में आज शाम मुझे पूरे पैसे चाहिए, पूरे 40,732। एक पैसा कम नहीं होगा। अगर आज तू पैसे लेकर नहीं आया तो तू जानता है ना मैं क्या कर लूंगा, थानेदार हूँ मैं, समझा। जी सर जी, जी मैं समझ गया सर जी, आप शाम को 6 बजे हमारी दुकान पे आ जाना। पैसे तैयार रखना, 40,732। जी सर। 40,732 हफ्ते की रकम मैंने पहली बार ऐसी सुनी यार, 40,732। अरे होती है यार, हफ्ता 25,000 का होगा, 28% उस पे जीएसटी जोड़ दे, ऊपर से लेट फी, टाइम पे तो भरते नहीं होंगे ना ये, इसके लिए ऊपर लेट फीस लग जाती है, होता है यार हर महीने मेरे साथ क्रेडिट कार्ड में यही होता है। तेरा हो गया, अब जरा मैं इस पुलिस वाले को पकड़ने के लिए कुछ सोचता हूँ। मनु मूंगफली जी आप जाइए और एकदम निश्चिंत हो जाइए, हम उस पुलिस वाले को पकड़ लेंगे। जी सर। नमस्ते। पकड़ लेंगे मतलब क्या, प्लान क्या है बताता हूँ। खावा खावा पान खावा, मूंगफली ले लो मूंगफली, गर्मा गरम करारी खस्ता मूंगफली ले लो भैया, खस्ता मूंगफली। केला ले लो भैया, केला ले लो गरम गरम, केला ले लो, अच्छा गरम गरम नहीं पीला पीला हरा हरा केला ले लो। एक काम जो है ना ये अच्छा है, दुकान भी लगाओ साथ में केला भी खाओ। क्या बात है भैया, अरे सारे केले खुदाई खा जाओगे तो बेचोगे का। अपना पान लगाओ, ज्यादा जान मत खाओ, और एक केला खाओत तो दुकान ना लूट जाओत, दूंगे तुमको एक लात। अरे काम करो अपना। भैया केला कैसे दिए? भैया हम तो केला हाथ से ही दिए, पैर से केला कैसे देंगे। अरे हमारा मतलब है कि केले कितने में दिए? अरे जितने के तुमने पैसे दिए उतने के केले दिए। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम 5 केले के पैसे दोगे और हम तुम्हें 50 केले थमा देंगे। अरे ऐसे थमाएंगे तो हम क्या कमाएंगे, केला। एक दर्जन चाहिए, बोलो कितने। भैया हमारे यहाँ तो एक दर्जन में 12 ही होते हैं, तुम्हारे यहाँ पर एक दर्जन में 13 होते हैं का। केला बेच रहे कि मजाक कर रहे हो यार? अरे आ? केला बेच रहे, मजाक क्यों करेंगे। अरे बाप रे नहीं चाहिए भैया तुम्हारा केला। अरे ले लो भैया ले लो, केले नहीं लेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.